हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस थ्री टाइम्स स्टूडेंट में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ एनालिसिस के बारे में। किरचॉफ्स लॉ एनालिसिस के टर्म के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे। अब तक आप लोग किरचॉफ्स लॉ के आधार पर किसी भी सिंपल सर्किट को सॉल्व कर रहे थे तो नियर अबाउट 10 to 20 मिनट या 5 मिनट नियर अबाउट आपका जो था वो वेस्ट हो रहा था। लेकिन इस वाले टॉपिक में, इस वीडियो में आप लोगों को ऐसा ट्रिक, ऐसा कॉन्सेप्चुअल टर्म बताऊंगा जिसके आधार पर किसी भी सिंपल से सिंपल या जटिल से जटिल सर्किट को विथ इन 2 सेकेंड, विथ इन 2 मिनट के अंदर आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यह बोर्ड एग्जाम में इसमें से 10 नंबर जो होता है वो फिक्स होता है, या तो यूपी बोर्ड हो, या तो सीबीएसई बोर्ड हो, या तो आईसीएसई बोर्ड हो, या तो किसी भी नेट या बीएससी नर्सिंग। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट दे रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा यदि पूछा जाता है एसी फंडामेंटल में, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है सिंपल सर्किट से क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग वीडियो को लेट देर न करते हो, सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टर्म के साथ पुष्पा यदि झुकेगा नहीं तो पुष्पा को हम लोग क्या कर देंगे, झुका देंगे। तो यदि आपके पास कोई ऐसा सर्किट दे रखा हो, ऐसा सिंपल सर्किट डायग्राम यदि कोई दे रखा है जिसमें R1 रेजिस्टेंस हो, उसके सापेक्ष एक V1 वोल्टेज लगा हो, और इधर की तरफ R3 रेजिस्टेंस और V3 वोल्टेज, और बीच वाले में R2 कोई रेजिस्टेंस है, ऐसा लूप आपके पास अगर दो दे रखा है, दो मेष हमें दे रखा है, तो सबसे पहले अगर इस वाले टर्म में यदि हमें करंट फाइंड आउट करना है, इस लूप में यदि हमें करंट फाइंड आउट करना है, और इस वाले R2 में यदि करंट का फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए नोडल जो वोल्टेज है, नोडल वोल्टेज V का मान हमें पता होना चाहिए। यदि इसी नोडल वोल्टेज का मान यदि फाइंड आउट कर लिया जाए तो इधर की तरफ जाने वाले करंट को यदि I3 एजम्पशन किया जाए, इधर की तरफ से निकलने वाले करंट को यदि I1 एजम्पशन किया जाए, और इधर की तरफ से निकलने वाले करंट को यदि I3 एजम्पशन किया जाए, तो यहां से हम लोग सभी करंट के मान को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके मीन्स नोडल वोल्टेज यदि हमें मिल गया तो नोडल वोल्टेज के आधार पे हम लोग पुष्पा को क्या कर सकते हैं, झुका सकते हैं। तो नोडल वोल्टेज का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए टर्म आप देखिए। तो नोडल वोल्टेज का मान फाइंड आउट करने के लिए सर्किट डायग्राम में जितने भी रेजिस्टेंस हो, दैट मीन्स या R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंसों का LCM ले लीजिए। तीनों रेजिस्टेंसों का हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही तीनों रेजिस्टेंसों का एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा, तो R1 का कितने टाइम्स करें कि वह एलसीएम आ जाए, R2 का कितने टाइम्स करें कि वह एलसीएम आ जाए, R3 का कितने टाइम्स करें कि वह एलसीएम आ जाए। अब जैसे ही एलसीएम मिला तो हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम मिलेगा R1 का जितने टाइम्स, उसका गुणा किस में कर देंगे, V1 में। दैट मीन्स यहां से जैसे ही हमें नोडल वोल्टेज V बराबर क्या मिल जाएगा, नोडल वोल्टेज V बराबर मिल जाएगा V1 और इनटू एलसीएम और प्लस का। इधर से देखा जाए तो इस वाले टर्म में कोई भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स नहीं है, तो जहां पे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स नहीं होगा वहां पे सिर्फ एलसीएम टाइम्स और इनटू का जीरो कर देंगे। क्यों, क्योंकि ना यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है ना तो करंट सोर्स है, और प्लस का कर देंगे आगे के टर्म में। इधर की तरफ देखा जाए तो V3 और एलसीएम ऑब्लिक में क्या कर देंगे, ऑब्लिक में देख लिया जाए यहां से सम ऑफ गोला के कहने का क्या मतलब है, यहाँ की तरफ जो आप दोगे, यहाँ से जो आप एलसीएम निकालोगे जितने टाइम्स करोगे इसका मान, और इधर की तरफ जो करोगे उसका मान, और इधर की तरफ जो करोगे सबका मान। दैट मीन्स आप नीचे की तरफ लिख सकते हो सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ टाइम्स। इसके आधार पे, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे किसी भी किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई न करके, आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके किसी भी सिंपल सर्किट या जटिल सर्किट को विथ इन 20 सेकंड के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए इस पर हम लोग सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के आधार पे यह पूरी बातें हम लोगों को क्लियर हो जाएगी, हम लोग एग्जांपल के आधार पे पुष्पा को जो है झुका देंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं, कोई एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर वन दे रखा है आप लोगों के सामने, एग्जाम्पल नंबर वन दे रखा है R2 किलो
1 किलो ओम, 2 किलो ओम, इधर की तरफ 2 वोल्टेज और इधर की तरफ 5 वोल्टेज लगा है, इसमें हमें नोडल वोल्टेज वी का मान फाइंड आउट करना है। नोडल वोल्टेज वी का मान फाइंड आउट करना है। यदि नोडल वोल्टेज मिल जाएगा तो इधर की तरफ जाने वाले करंट का मान, इधर की तरफ से निकलने वाले करंट का मान, इधर की तरफ से निकलने वाले करंट का मान, सबके करंट का मान हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस वाले टर्म में देखा जाए तो सबसे पहले अभी मैंने बोला जितने भी रेजिस्टेंस है सभी रेजिस्टेंसों का पहले रूल नंबर 1 में सभी रेजिस्टेंसों का एलसीएम ले लीजिए। सभी रेजिस्टेंसों का जो एलसीएम आएगा उसी एलसीएम का हम लोग V1, V2 और V3 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और जितना भी एलसीएम जितने टाइम्स आएगा अपलिंग में करके सबका योग करके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसमें एलसीएम यदि लिया जाए इधर 2 किलो ओम, 1 किलो ओम और 2 किलो ओम, सबका अगर एलसीएम लिया जाए 2, 1 और 2 का एलसीएम, तो सबका एलसीएम क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। डेट मीन्स अगर देखा जाए यहाँ से एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया 2 किलो ओम, 1 किलो ओम और 2 किलो ओम, सबका एलसीएम तीनों का जो रेजिस्टेंसों का एलसीएम है वह 2 आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इस 2 का मल्टीप्लीकेशन कितने टाइम्स करें कि यह एलसीएम 2 आ जाए, तो कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। तो यहाँ से जैसे हम लोग नोडल वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे तो नोडल वोल्टेज वी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यह जो 5 वोल्टेज है कितने टाइम्स आप लोगों ने किया, कितने टाइम्स किया, 1 टाइम्स किया। तो जब 1 टाइम्स किए हो तो यहाँ से कर दोगे वी का मान 5 और प्लस का इनटू का 1 और बीच में क्या कर दोगे, प्लस। आप लोग देख रहे हो इधर की तरफ जो वोल्टेज सोर्स लगा है और इधर की तरफ जो वोल्टेज सोर्स लगा है दोनों में पॉजिटिव सिरा ऊपर है, प्लस सिरा ऊपर है, दैट मींस करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग बीच में प्लस करेंगे। अब इधर वाले टर्म में देखा जाए इधर वाले टर्म में 2 का कितने बार मल्टीप्लीकेशन करें कि 2 आ जाए, दैट मींस वंस बार, तो इधर भी गोला कितना मिला, 1 ही बार मिला और कितना वोल्टेज लगा है, 2 वोल्टेज, तो इधर की तरफ भी आप करोगे तो 1 × 2। अब बीच वाले टर्म में अभी हमने क्या बोला है कि बीच वाले टर्म में यदि कहीं पर भी वोल्टेज का मान नहीं दिया है तो सिर्फ रेजिस्टेंस के मान को एजम्पशन करेंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो 1 का मल्टीप्लीकेशन कितने टाइम्स करें कि 2 आ जाए, तो 2 बार, लेकिन वोल्टेज या करंट का सोर्स का मान नहीं दिया तो 0। आप लिख में गोलाओं का सम, गोला का सम यदि किया जाए तो 1, 1, 2, 1, 2, 2, 4, इसके मीन्स नोडल वोल्टेज का मान यहाँ से क्या आ गया, 5 बन जा, 5 प्लस का 2 प्लस का 0 अब्लिक में 4, 5, 2, 7, 7 अब्लिक 4। यहाँ से नोडल वोल्टेज का जो मान आ गया वह क्या आ गया, 7 अब्लिक 4 वोल्टेज। अब जैसे ही आपको वोल्टेज का मान मिला तो इधर की तरफ जाने वाले करंट का मान फाइंड आउट कर लेंगे, इधर की तरफ या उधर की तरफ सभी की तरफ से आप करंट का मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम है, इसके आधार पे आप किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी सिंपल डायग्राम, किसी भी सिंपल सर्किट को किरचॉफ्स लॉ एनालिसिस के आधार पे जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है इसके आधार पे आप किसी भी सिंपल सर्किट को आसानी से विद इन 20 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और इस पे एग्जांपल देखा जाए। दूसरे एग्जांपल की यदि मैं बात करूं, यदि आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं प्रश्न को अच्छे से लिख भी देता हूं। प्रश्न दे रखा है दूसरा वाला जो सर्किट डायग्राम दे रखा है एग्जांपल नंबर दो में दे रखा है इधर की तरफ एक रेजिस्टेंस, एक बीच में रेजिस्टेंस, इधर वोल्टेज सोर्स, इधर की तरफ भी वोल्टेज सोर्स और आगे की तरफ देखा जाए तो एक तीसरा रेजिस्टेंस दे दिया। एक सर्किट डायग्राम आप लोगों को दे रखा है, यह पॉजिटिव सिरा, निगेटिव सिरा, पॉजिटिव सिरा, निगेटिव सिरा और इधर की तरफ दिया 100 ओम और इधर की तरफ दिया है 50 ओम, इधर की तरफ दिया है 10 ओम और यह जो वोल्टेज दे रखा है 20 वोल्टेज और इस जो वोल्टेज का मान दे रखा है दिया है 10 वोल्टेज। इस वाले टर्म में क्या आप लोगों को फाइंड आउट करना है, इस वाले टर्म में फाइंड आउट करना है या I3 का मान ज्ञात करो, I3 का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यदि हमें I3 का मान ज्ञात करना है दैट मींस यहाँ पे नोडल वोल्टेज का मान हमें पता होना चाहिए। नोडल वोल्टेज का मान हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अभी हमने ट्रिकली बताया है। नोडल वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करो, नोडल वोल्टेज को हमने वी मान लिया तो वी इक्वल टू नोडल वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए जो आपका 10 है, 50 है और 100 का एलसीएम ले लीजिए। तो 10, 50, 100 का एलसीएम 100। अब जैसे ही 100 आया तो हम लोग 10 का मल्टीप्लीकेशन कितने टाइम्स कर दें कि 100 आ जाए, तो 10 का 10 टाइम्स करेंगे तो यही गोला में बन गया,
10 का 10 टाइम्स करेंगे और 50 का कितने टाइम्स करें, 50 का 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 का कितने टाइम्स करें 1 टाइम्स करें। तो बस यही टर्म हमें ख्याल करना है, जो एलसीएम लिया उसका कितने टाइम्स करें कि वह एलसीएम वाला टर्म मिल जाए। तो अगर देखा जाए यहाँ से जो वोल्टेज है ये इधर की तरफ प्लस चार्ज, इधर की तरफ प्लस चार्ज, मीन्स करंट इधर से नोड की तरफ जा रहा है, नोडल वोल्टेज की तरफ। तो देखा जाए इधर कितने गोला 10, तो अब वही हमने बोला है कि जो वोल्टेज सोर्स इनटू गोला, तो गोला कितना 10। अब प्लस इसलिए क्योंकि दोनों बैटरियों का जो डायरेक्शन है वह सेम है, इधर की तरफ करंट इधर भी, इधर की तरफ करंट इधर भी। अब इस वाले टर्म में देखा जाए तो 50 का कितने टाइम्स, 2 टाइम्स इनटू 10, तो 2 टाइम्स इनटू 10 प्लस इस वाले टर्म का तो 100 का कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, लेकिन इधर ना वोल्टेज सोर्स ना करंट सोर्स तो 0। आप लिख में गोलाओं का सम कर दीजिए 10 प्लस 2 टेल और 1 13। तो नोडल वोल्टेज का मान यहां से देखा जाए तो नोडल वोल्टेज का मान 220 ऑब्लिक 13 वोल्टेज। यहाँ से नोडल वोल्टेज का मान देखा जाए तो नोडल वोल्टेज का मान कितना आ गया 220 ऑब्लिक 13 वोल्टेज। यहाँ से आप यदि करंट का मान आप यहाँ से फाइंड आउट करना चाहो I3 का मान, तो I3 इक्वल टू आप सभी लोग जानते हो I3 इक्वल टू वोल्टेज बटे करंट। वोल्टेज का मान कितना आया है नोडल वोल्टेज का मान 220 बटे 13 और पूरे बटा करंट का मान कितना 100। अब यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आ जाएगा 220 पूरे बटा 13 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, अब कैंसिल आउट करके यहाँ से देख सकते हो यहाँ से जो करंट का मान आ गया वह क्या आ गया 22/130 एम्पियर। तो इस तरह आपको यदि कोई भी क्वेश्चन देता है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन और देख लिया जाए, एक एग्जांपल की और बात कर ली जाए इस पर। तो अगला एग्जांपल दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 तब तक आप लोग सॉल्व करिए, हम इसको बता रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक सर्किट डायग्राम है, एक सर्किट डायग्राम में दे रखा है 20 वोल्टेज इधर की तरफ, वोल्टेज इसमें बस टर्म ख्याल करना है बैटरी की डायरेक्शन का। इधर की तरफ देखा जाए तो प्लस, उधर की तरफ माइनस। यह 20 वोल्ट की बैटरी है, यह 80 वोल्ट की बैटरी है, और यह जो बीच में रेजिस्टेंस है 10 ओम का है, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस दे रखा है वह 50 ओम का है, और इधर की तरफ जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितने ओम का है 30 ओम का है। तो नोडल वोल्टेज का मान फाइंड आउट करना है, या इस वाले टर्म में यदि मैं कह दूं कि आप लोग I2 का मान फाइंड आउट कीजिए, इधर की तरफ जो जाने वाला करंट है उसका मान फाइंड आउट कीजिए। तो I2 का मान फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले मेश एनालिसिस के आधार पे, या तो आप इसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करो, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ अप्लाई करो। तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो I1 I2 मान फाइंड आउट करने के लिए विद इन 5 मिनट आप लोगों को लगेगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग पुष्पा को झुका देंगे, दैट मींस विद इन 20 सेकंड में आप लोग इस कॉन्सेप्ट के आधार पे I1 I2 I3 का मान फाइंड आउट कर सकते हो। बस इसमें हमें नोडल वोल्टेज का मान फाइंड आउट करना, जो ये बीच वाला वोल्टेज है दैट मींस यही नोडल वोल्टेज, और नोडल वोल्टेज को फाइंड आउट करने का तरीका भी हमने बताया है कि जितने भी हमारे रेजिस्टेंस है सभी रेजिस्टेंसों का आप लोग क्या करिए, सभी रेजिस्टेंसों का एलसीएम ले लीजिए। तो 50 10 और 30 का अगर एलसीएम देखा जाए तो 50 10 30 का एलसीएम अगर आप लोग देखो तो इसका जो एलसीएम मिलेगा वह क्या मिल जाएगा, एलसीएम जो मिल जाएगा वह क्या मिल जाएगा 150 मिल जाएगा। अब इसी के आधार पर फाइंड आउट करो नोडल वोल्टेज, तो नोडल वोल्टेज इक्वल टू 20, डायरेक्शन इधर की तरफ है तो प्लस ले लो आप लोग प्लस, तो 20 इंटू ये 50 का कितने टाइम्स कर दे कि आ जाए 3, तो 3 टाइम्स गोला, तो इसके मीन्स इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 3 टाइम्स का। इसमें सबसे अच्छी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ख्याल करने वाली यह है कि इधर की तरफ जो बैटरी लगी थी इसका वोल्टेज प्लस वाला ऊपर था, इधर की तरफ जो बैटरी लगी प्लस वाला नीचे, दैट मींस इसको माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस का वोल्टेज सोर्स 80 इंटू
ये देखा जाए 30 का कितने बार मल्टीप्लीकेशन कर दूं कि 150 आ जाए, 5 टाइम। तो ये गोला में कितना 5 टाइम, दैट मींस आप यहां पे क्या कर दोगे 5। और प्लस का यहां पे देखा जाए कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो दैट मींस 10 का कितने टाइम, 10 का कितने टाइम्स करेंगे कितना आ जाए, दैट मींस 15 टाइम्स। तो 15 टाइम्स करेंगे तो आप यही आएगा। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे 15 और इनटू का 0 आप लिख गोलाओं का सम। तो 10 और 3 15 18, 18 में 5 जोड़ोगे तो 123। यहां से यदि आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 20 3 60 और माइनस का 8 बटे 40 400 पूरे बटा 23। दैट मींस यहां से अगर आप देखो तो यहां से कितना आ गया, आ गया 340 अब्लिक 23। तो भी किसमें, माइनस में। माइनस में आने का यही मतलब है कि जो हमने इधर की तरफ से डायरेक्शन करंट का माना था वह करंट का डायरेक्शन गलत है। इधर से करंट निकलती हुई इधर की तरफ आएगी और इधर से इधर की तरफ जाएगी। माइनस सिर्फ यही दर्शाता है कि आपके करंट का डायरेक्शन उल्टा है, नहीं तो माइनस का और कोई कहने का मीन्स नहीं है। तो नोडल वोल्टेज का मान यदि आपको मिल गया 340 बटे 23, तो यहां से यदि करंट का मान फाइंड आउट करना है तो करंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, करंट इक्वल टू वोल्टेज माइनस 340, माइनस हम लोग नहीं करेंगे 340 बटे 23 अब्ली रेजिस्टेंस का मान 10, तो यहां से 10 से 10 कैंसिल आउट आ गया 34 बटे 23 एम्पियर। और जो माइनस में आया था तो माइनस के कहने का मीन्स यही है कि जो करंट की डायरेक्शन है यह किधर की तरफ जाएगी, I2 का मान जो होगा वह ऊपर की तरफ होगा, किधर की तरफ ऊपर की तरफ। तो इसके आधार पे आप सभी लोग जो है किरचॉफ्स लॉ का एनालिसिस कॉन्सेप्चुअल या ट्रिक अब समझ लीजिए, इसके आधार पे आप लोग पुष्पा को जो है झुका सकते हैं विद इन 20 सेकंड के अंदर किसी भी सिंपल सर्किट या तो मेश एनालिसिस को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इस फार्मूले को आप सभी लोग देख लीजिए हमने कैसे बोला था। आप लोग सभी लोग इस वीडियो को विदाउट स्किप किए अच्छे से समझिए और सिंपल सर्किट डायग्राम है, सिंपल सर्किट का जितना भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने में लग जाइए, ज्यादा दिन नहीं है। विदाउट एजुकेशन का हम लोग किसी को झुका नहीं सकते, या तो पुष्पा हो या तो कोई।